हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी दोपहर के बजे हुए हैं 2 और मेरा सारा काम हो गया था, तो मैंने कहा चलो मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि जिधर मैं ब्लाउज डालने गई थी तो उन भैया का फ़ोन आया है कि ब्लाउज़ और साड़ी ले जाओ, फिर उनको बाहर जाना है। तो मैंने कहा चलो, अभी बेटी जा रही थी कोचिंग तो उसके साथ जाकर मैं ले आती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पर मैं हो रही थी तैयार, साड़ी पहन ली है और बस अब हम लोग जाएंगी मार्केट। और यहाँ पर लेने आई हूँ मैं पैसे, क्योंकि और तो कोई मुझे मार्केट में काम नहीं है, सिर्फ ब्लाउज उठाकर ही लाना है। तो सिलाई के पैसे मैं रख लूँगी पर्स में, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। अभी फ़ोन आया है, कल शाम को आया था तो मैंने देखा ही नहीं, और अभी आया है तभी बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे बाहर जाना है, अगर आपको ब्लाउज़ उठाना है तो अभी आ जाओ और फिर मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी ले आती हूँ, नहीं तो फिर पता चले कि मतलब 2-4 दिन के लिए जा रहा होंगे वो बाहर, इसीलिए। तो फटाक से मैं यहाँ पर तैयार हो गई हूँ, और सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था तो मैंने कहा चलो अब वीडियो बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने स्लीपर भी पहन ली है और पैसे रख लूँगी पर्स में। वैसे तो मैं मोबाइल में रख लेती हूँ, लेकिन अभी मोबाइल का कवर क्या पता कैसा हो रहा है, तो इसीलिए मैंने छोटा सा ये पर्स रख लिया है, उसमें डाल लिए हैं पैसे। और बस हो गई हूँ मैं तैयार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। और बेटी भी तैयार हो गई थी, उधर से ही वो कोचिंग चली जाएगी। तो ये देखिए, धूप अच्छी निकल रही है, तो मैंने स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनी है, क्योंकि धूप ज़्यादा लगती है ना तो फिर गर्मी लगती है, इसीलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी। और बस हम लोग पहुँच गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन के इस पार ही है उनकी दुकान। तो मैंने कहा चलो फटाक से हम उठा लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो ये देखिए, और यहाँ पर साड़ी भी पीको फॉल हो चुकी है, ब्लाउज तो तैयार था तभी उन्होंने फोन लगाया है। तो बस वही मैं देख रही थी कैसा क्या सिला है उन्होंने, क्योंकि अगर अभी मुझे कोई दिक्कत दिखेगी तो मैं उनको बता दूंगी, तो शाम तक बुक कर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छे ब्लाउज सिले थे। तो फिर मैं लेकर आ गई हूँ घर। तो ये देखिए, मैंने कहा चलो अब आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पीली कलर की प्लेन साड़ी ली थी, मुझे बहुत पसंद आई ये साड़ी, ये मैंने मीशो से की ऑर्डर की थी। तो इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा है, थोड़ा सा खिंची मतलब खिंच गया है साइड में, तो वही दिख रही थी कि ये धागा कहाँ से दिख रहा है, तो यहाँ पर खिंच गया था। और ये देखिए, बहुत सुंदर लग रही है साड़ी, क्योंकि प्लेन साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने प्लेन येलो कलर की ली है। और ये है इसका ब्लाउज़, यहाँ बस मैंने आस्तीन में थोड़ी सी कट लगवाई है और कुछ नहीं, सादा सिंपल सिलवाया हुआ है, ये देख लीजिए। अब मैं पहनूंगी तब बताऊंगी, अभी पहना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने कहा पहनने में भी थोड़ी आलस आती है, इसलिए मैंने पहनी नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को दिखा दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं देख लेती हूँ ओम को, क्योंकि आज ओम को मैंने छोड़ के रखा हुआ है, सुबह से ही छोड़ दिया था उसको भूसा रख के, और जैसे ही उसने भूसा खाया तो उसको मैंने खोल दिया और घूम रहा है आराम से। तो उसको देख लेती हूँ, अभी मुझको याद आई कि ओम को अभी पानी नहीं पिलाया है, तो उसको ही देखने आई थी मैं कि अगर दिख जाए तो उसको आवाज़ लगा दूंगी तो वो तुरंत आ जाता है। 1-2 दिन हो गए हैं वैसे उसको छोड़े, तो उसको भी आदत पड़ गई है कि कोई भी ओम को आवाज़ लगाता है तुरंत आ जाता है और पानी भूसा खाकर फिर से घूमने लगता है, और सामने ही घूमता है, यहाँ वहाँ थोड़ी गली में चला जाता है बस, और कहीं नहीं जाता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो रात को हम उसको अंदर कर लेते हैं, तो इसीलिए उसको ही देख रही थी मैं अभी। और मैंने कहा ये दिख जाए तो उसको पानी और पिला दूँ, लेकिन अभी सामने नहीं दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अंदर चलते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं फिर देखते हैं ओम को। देखिए फ्रेंड्स, लाइट चली गई है अभी, अब क्या करें, लाइट चली गई है तो फिर बाहर ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर आ गई
कर रहे हैं अभी काम का टाइम है, झाड़ू वगैरह लगा के और लाइट चली गई है, शाम के बज चुकी है 4:30। लाइट आ चुकी है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम चलते हैं अंदर। अभी मैं ओम को देखने आई थी लेकिन वो मुझे दिख रहा है और अब दिख रहा है, ये देखिए वो घूम रहा है आराम से, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा तो मैं बताऊंगी। ये देखिए यही घूमता रहता, अभी छोड़ दिया मैंने उसको। चलिए तो थोड़ा कर लेते हैं कमरा साफ। कान्हा आ जाओ पढ़ाई करना, कान्हा और अभी लाइट क्या पता क्यों चली गई थी, वैसे तो जाती नहीं है कभी लेकिन आज चली गई और मैं बस यहीं पर थोड़ी आकर बैठी थी, थक गई थी वहां, इतनी दूर गई मार्केट, इतनी दूर गई थी बाजार तो बस थक गई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी बैठ जाऊं, और जैसे ही अंदर आके बैठी मैं और लाइट चली गई। अभी जाएंगे हम चाय बनाने के लिए क्योंकि बेटी अभी है नहीं है, बेटी गई है कोचिंग, मेरे साथ ही गई थी तो वहीं से वो कोचिंग निकल गई, और मैं अपनी ब्लाउज और साड़ी उठा कर ले आई हूँ और फिर वहीं से वो निकल गई कोचिंग में, आ गई घर, और अब मैं सोच रही हूँ या तो वो आ जाए उसके बाद चाय बनाऊँ या फिर बनाती हूँ, क्योंकि बेटा तो पीता नहीं है, वो भी जाने वाला है कोचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स झाड़ू लगा लेती हैं कमरे में, शाम का टाइम होने वाला है। और फ्रेंड्स झाड़ू लगा लिए है, झाड़ू की वीडियो बनाई थी तो बार बार येलो डॉलर आ रहा था, इसीलिए मैंने हटा दिया है झाड़ू की वीडियो। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, तो बस फटाफट से यहाँ पर भी चाय बना लेती हूँ। कुछ कुछ वीडियो डालती हूँ ना तो उन पर येलो डॉलर आता है तो मुझे वीडियो हटानी पड़ती है, तो बस यहाँ पर कुछ चाय की वीडियो में भी येलो डॉलर आ रहा था तो वो भी हटाई मैंने, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए और फुल वॉच कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बस यहाँ पर मैंने हत्ते में दूध रखा हुआ था तो दूध वाला ही हत्ता रख दिया है मैंने कि गर्म हो जाएगा, तो थोड़ा सा दूध निकाल लेंगे हम और चाय बना लेंगे, क्योंकि अभी जिम्मी को भी रोटी देना है, अभी उसको दी नहीं थी दूध रोटी तो इसीलिए, तो थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी और उसी में शक्कर और चाय पत्ती डाल दूँगी, बस एक कप ही चाय बनानी है इसीलिए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ, फिर हम चलेंगे कमरे में पियेंगे चाय, क्योंकि यहाँ पर तो आराम से टीवी देखूँगी थोड़ी सी और फिर चाय पीऊँगी, फिर शाम के काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़े से बर्तन भी रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो इनको स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग मार्केट जा रहे थे ना तो मैं बर्तन साफ़ करके रख गई थी तो अब सूख गए थे तो बस। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स चाय बन चुकी है तो मैं आ गई हूँ कमरे में, तो यहाँ पर मैं टीवी भी देख रही हूँ और चाय भी पी रही हूँ। तो आ जाइए आप लोगों को पीना है तो, गर्मा गर्म सर्दी में चाय बहुत अच्छी लगती है, सबको मन होता है कि थोड़ी सी सर्दी लगती है चलो चाय बना लूँ। और फ्रेंड चाय पी ली है, बर्तन साफ करने जा रही हूँ, तो बस आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड, सभी को राधे राधे, बाय, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ।